जिले की हथुआ की रहने वाली रेखा देवी ने अपने घर में बेकार पड़ी जगह और कमरों को मशरूम की खेती के लायक बनाया। वो अपने खाली समय को मशरूम की खेती में ही बिताती है। घर के बेकार कमरों को इस्तेमाल किया और इससे वो हर साल करीब 3 लाख रुपए की आमदनी भी कर लेती है। रेखा देवी के मुताबिक जब उनके बच्चे पढ़ने के लिए घर से बाहर चले गए तो वो घर में बेकार पड़ी थी। उनके पास कोई काम नहीं था, उनका बड़ा सा घर है। घर के कई कमरे भी बेकार पड़े हुए थे। उन्होंने पत्रिका और अखबारों के माध्यम से इसकी जानकारी इकट्ठा की और फिर मशरूम की खेती शुरू कर दी। रेखा देवी के मुताबिक उन्होंने अपने कमरे में ओएस्टर मशरूम, पोर्ट बेलो, हेड हॉग, शिटाके और बटन मशरूम जैसे कई किस्म के मशरूम की खेती की है। वो सालों भर घर में मशरूम का उत्पादन करती हैं, जिसकी बाजार में ज्यादा डिमांड भी है। हथुआ निवासी पप्पू श्रीवास्तव की पत्नी रेखा देवी मशरूम से बिस्किट, लड्डू और अचार भी बनाती हैं। रेखा देवी के इस फैसले से उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरी है। उन्हें हर साल लगभग 3 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। ये मशरूम हम बहुत विटामिन का जरूरत है, इसमें विटामिन मिनरल पौष्टिक आहार ये है, तो ये बच्चों और बूढ़ों के लिए एक बहुत ही लाभदायक ये आहार है। तो आप मशरूम खेती कहाँ कैसे करती हैं? मैं अपने रूम में ही करती हूँ, और ये मैं मशरूम की खेती का मुझे तब समझ में आया जब मैं खाली थी, मुझे कोई काम नहीं था, तो वहीं मैं पेपर में मशरूम की खेती को पढ़ी और वहीं से मेरे मन में ख्याल आया कि हम मशरूम की खेती करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे वो सब प्रोटीन भी मिलेंगे और कुछ पैसा भी मैं कमा सकती हूँ। तो 3 से 4 के बीच में आमदनी होती है, और मैं 12 महीना सालों भर खेती करती हूँ मशरूम के। और क्या क्या बनाती हैं मशरूम से? मशरूम से मैं लड्डू बनाती हूँ, बिस्किट बनाती हूँ, मिक्सचर बनाती हूँ, अचार, सूखा पाउडर, सूखा मशरूम, और ये हाँ इसका डिमांड भी है। मैं यहाँ मॉल में भी देती हूँ, मीरगंज गोपालगंज मॉल में भी जाता है, और शादी ब्याह में लोग बुक भी करवाते हैं, ले भी जाते हैं। ऐसे मैं कहीं कहीं स्टॉल लगाने जाती हूँ तो वहाँ पर भी मेरा अच्छा खासा ये बिकता है।